कोरोना वायरस के तहत लगाए गए लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में हजारों मजदूर फंसे हुए हैं। सैकड़ों तो घरों के लिए पैदल ही लौट रहे हैं, ना इनके खाने का बंदोबस्त है ना रात को सोने का। मजदूर सकुशल अपने घर लौट पाए इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जल्द अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा कर फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करना चाहिए। यह मांग विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने की है। गुर्जर ने कहा कि अन्य राज्यों में फंसे मजदूर लॉकडाउन के बाद से 39 दिन से फंसे हुए हैं। सुविधा और पास में नकदी नहीं होने से पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने को मजबूर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के हजारों श्रमिक मजदूर जो गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, पंजाब में व अन्य राज्यों में फंसे हैं, उनको लाने की व्यवस्था हेतु हमने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि या तो उनके कार्यस्थलों से लाए जाए या अन्य राज्यों में जहाँ जिला है वहाँ से उनकी बसों की व्यवस्था करी जाए। परंतु ये सब व्यवस्था नहीं होने के कारण वो सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर हमें सीमा बॉर्डर पे आ रहे हैं। जिस प्रकार से कल देवरा रामदेवरा जी और उसके जैसलमेर के 1000 किलोमीटर की पद यात्रा करके अब हमारे नयागांव बॉर्डर पहुँचे थे, वो लोग भी हमारे लगातार संपर्क में थे। हम कलेक्टर इन सबको अवगत, कमिश्नर इन सबको अवगत कराते रहे। तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा करें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि हमारे मजदूर को पैदल सीमा बॉर्डर पर नहीं आना पड़े, उनके कार्यस्थलों से जहाँ वो रहते हैं या फिर जिला स्तर से व्यवस्था करके अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री चर्चा करके लाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र में जो पैदल चल के आ रहे हैं उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पुलिस के अत्याचार भी सहन करने पड़ रहे हैं, कई आम नागरिक से भी उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। इन सब परेशानियों का हल है तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा है कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर लें और उनको सुव्यवस्थित रूप से लाने की व्यवस्था करें। जिस प्रकार से जैसलमेर देवरा के लोग आए 1000 किलोमीटर पद यात्रा करके, हम सिर्फ 150-200 किलोमीटर हम बस बिठा के लेकर आए, उनसे उनका वो नहीं हो पा रहा। परंतु हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री, हमने इसके पत्र भी दिया है, ऐसे निर्देश भी देने के प्रशासन को अपील भी करी है कि इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाना चाहिए। नागदा का खाचो क्षेत्र में करीब 2400 श्रमिक अपने श्रम का कर्मकार मंडल में पंजीकृत है। निश्चित रूप से अभी मध्य शासन द्वारा श्रमिकों के 1000 रुपये और बहुत से हमारे जो से हजारों श्रमिक हैं जो अन्य राज्यों में हैं उनको भी 1000 रुपये की राशि डालने की बात कही थी, तो निश्चित रूप से वो राशि भी पूरी तरह डालनी पाई है। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं श्रमिकों के हित में राशि डाली जाएगी। यदि बाहर के श्रमिक आते हैं अन्य राज्यों में काम करके, उनका रोजगार तो जाएगा, तो उनको बहुत आर्थिक परेशानी का सामना कई महीनों तक उनको करना पड़ेगा। और राज्य के जो हमारे क्षेत्र के जो श्रमिक हैं जो कर्मकार मंडल से संबंधित है, उनके भी काम धंधे लगातार कई महीनों से बंद हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अवगत अनुरोध करना चाहता हूँ, कैसे भी करके उनके 5000 रुपये की राशि उनके खाते में डाले, ऐसी हम माननीय मुख्यमंत्री अन्य प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, जिससे कि उनका परिवार सुव्यवस्थित रूप से चल सके। अभी वहाँ के मामल मजदूर या तो शासन की जो खाद्यान्न है उस पर आश्रित है, या फिर जो सामाजिक संस्था है उनको, जो राजनीतिक संस्था है जो उनको कुछ दे रही है उस पर आश्रित है। तो निश्चित रूप से उनका परिवार सुव्यवस्थित रूप से चले, जैसे हम माननीय मुख्यमंत्री से मांगे थे, उनके खाते में 5000 रुपये निश्चित रूप से डाले जाना चाहिए।